बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम लोगों ने जो लेक्चर की जो सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं अपनी 3D मॉडलिंग के अंदर, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मॉडलिंग ही की है। अगर हम लोग कलर वगैरह को चेंज किया तो हमने अभी तक उनके शेडर्स को, हम लोगों ने तो बिल्कुल हल्का सा लाइट सा हम लोगों ने शेडर को अप एंड डाउन करके थोड़ा बहुत चेंज किया है। उसको हमने देखा है कि ये शेडर किस तरह चेंज होता है। आज से जिस चीज़ को मैं आपको जो एक नई चीज़ इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ वो है आपके इसमें यूवी एडिटिंग और टेक्सचर को अप्लाई करना। ये दो बड़ी मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि कोई भी गेम का प्रॉप जब भी आप बना रहे होते हैं या कोई भी चीज़ आप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास ये दो चीज़ें लाजमी आपके पास आएंगी, एक यूवी को एडिटिंग करना और उसको टेक्सचरिंग करना। ठीक है, तो डिफरेंट वेज़ होते हैं इसको करने के, टेक्सचर्स करने के होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपके पास बना बनाया टेक्सचर हो और आप उस बने बनाए टेक्सचर के अंदर अपने उस प्रॉप को सेट कर लो। अगर आपके पास बना बनाया टेक्सचर नहीं है तो फिर अगर आपके पास प्रॉप बना हुआ है तो आप उसको यूवी एडिटिंग को ओपन कर लें और उसके बाद उसके अंदर टेक्सचर को पेंट करना शुरू कर दें। इन दोनों अमल के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो एक ही है, यूवी एडिटिंग को ओपन, यूवी आपने ओपन करनी है। बात समझ आई? अच्छा, अब सीन ये होता है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस जो प्रोसेस है वो को थोड़ा समझने के लिए इसके अंदर प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत होती है और थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए मैपिंग का। मैपिंग मतलब स्टिकर चढ़ाना, ये ऐसे ही होता है सिलसिला। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये आपको बैक पे ऑफिस नज़र आ रहा है, ये पूरा स्टिकरिंग वगैरह हुई हुई है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो आप ये समझें कि एक पहले एक शॉप बनाई गई थी और उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करने के लिए उसके ऊपर बनाए लगा दिया, स्टिकर लगा दिया, तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ये चीज़ जो है वो क्या है। ऐसे ही आप इस चीज़ को इमेजिन कर लें जैसे कि ये है आपके पास एक बॉटल है, अगर मैं इसका स्टिकर उतार दूं, उसका लेबल उतार दूं तो फिर आपको नहीं पता लगेगा ये बॉटल किसकी है, लेकिन जैसे मैंने इस पर लेबल लगाया तो आपको क्या अंदाज़ा हो गया कि ये क्या चीज़ है, ये एक दवाई है और ये एक दवा का लेबल लगा हुआ है इस पर। तो एग्जैक्टली हम यही काम इसके अंदर करते हैं अपने 3D सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आप विदाउट एडिटिंग यूवी एडिटिंग के और टेक्सचरिंग के जो है इसके बगैर आप जो है अपने मॉडल को फाइनल लुक नहीं दे पाते। ठीक है, ये बता रहा था कि आपके पास अब इस तरह के दो तरह के टेक्सचर्स आते हैं हमेशा, ये जब भी आप आएंगे ये इस तरह का एक टेक्सचर आ रहा होगा आपके पास और एक आपके पास इस तरह के टेक्सचर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो टेक्सचर है ये चीज़ बता रहा है कि तो अब सिलसिला ये है कि आपके पास एक ये टेक्सचर है, एक आपके पास ये टेक्सचर है, एक आपके पास ये टेक्सचर है। ये तीन तरह के मैंने टेक्सचर्स अलग अलग लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो ये है फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास टेक्सचर हो और आपको मॉडल का आइडिया हो कि आपने मॉडल क्या बनाना है। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस के अंदर मेरे पास टेक्सचर अवेलेबल है लेकिन मुझे मॉडल का भी आइडिया है कि मैंने क्या बनाना है, यानी कि मेरे पास इस जगह पे जाहिर है ये एक ऑयल बैरल है। ठीक है, और एक ये आपके पास जो है ये एक ये भी एक बियर बैरल है ये। ठीक है, और ये भी एक जो है बियर बैरल है आपके पास, एक ओल्ड स्टाइलाइज टाइप का। तो जाहिर है इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर इन तीनों के अंदर डिफरेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा इसका ताकि आपको ज़रा थोड़ी आसानी हो जाए ये देखने के अंदर, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बनता किस तरह। यूवी एडिटिंग क्या होती है, मेन काम हमारा आज यूवी एडिटिंग का और टेक्सचरिंग को अप्लाई करना है। तो मैं इसको फ़िलहाल उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया सिलेंडर। सिलेंडर मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है 32 है, मुझे ज़्यादा साइडेस नहीं चाहिए इस वक्त, फ़िलहाल मैं इसको 16 कर देता हूँ मिनिमम, ताकि अभी हम लो पॉली बना लेते हैं। अगर आप ज़्यादा भी करना चाहें तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम लो पॉली ही बनाएंगे। चलिए 32 कर लेते हैं हम, 16 16 28 32। ठीक है, नाउ मैं टैब प्रेस करके फेस मोड पे जा रहा हूँ एंड स्केल मैंने किया और इसको थोड़ा सा स्केल मैंने डाउन कर दिया
और इसके बाद मैं जी प्रेस कर रहा हूँ, जी प्रेस कर रहा हूँ, एंड देन मैंने इसको जी एक्सिस की तरफ ग्रैब कर लिया, वायर फ्रेम मोड में आया, और इसके बाद मैंने वर्टिसेस में आने के बाद इसको मैंने जी एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ग्रैब कर दिया। ठीक है, ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल आई और कंट्रोल आर और तीन लूप मैंने यहाँ पर बराबर से डाल दिए। ओके अब मैं कंट्रोल बी यानी कि बेवल बेवल करने के बाद मैंने क्या किया, एक ऊपर की तरफ मैंने और लूप ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑल प्रेस कर रहा हूँ और सेंटर वाले को क्लिक करता जा रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट से, ऑल्ट शिफ्ट और सेंटर वाले को मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया, ऑल्ट एस से मैंने क्या किया, इसको अप एंड डाउन कर दिया, इसको थोड़ा सा अप की तरफ लेके जाऊंगा और ये इसको मैं बाहर की तरफ ड्रैग कर लूंगा ऑल्ट एस से। ठीक है, इसको अब हमने और स्मूथ करना है, लिहाजा कंट्रोल बी कर दूंगा और हम लोग इसको और बेवल कर देंगे, और ये मेरे पास मेरी ड्राइंग का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके सेकंड पार्ट मेरे पास मेरी ड्राइंग का है कि मैंने क्या करना है कि यहाँ पर एक इसका टॉप बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, फेस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट किया और इसको इनसाइड इंसर्ट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्सट्रूड कर दिया और इसके बाद मैंने माइनस जी एक्सिस की तरफ इसे एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ड्राइंग का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने शो आउट करवाने के, ये रियलिस्टिक ही ऑब्जेक्ट है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसको शेड स्मूथ कर दूंगा, खा लिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको 45 पे आके इसको मैंने शेड स्मूथ कर दिया। अब मैं जाऊँगा, आज जो मैंने काम करना है वो ये है कि सबसे पहले आपने टेक्सचर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। क्या करना है, आपने मटेरियल अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, मटेरियल के टैब में आएंगे, मटेरियल में टैब में आने के बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे और अपने न्यू मटेरियल का नाम जो होगा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ऑयल बैल का नाम मैंने रख दिया इसका, अभी मैं यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ आया कि ये चेंज होगा इसका कलर के नहीं होगा। हाँ जी, मटेरियल अप्लाई हो चुका है इस पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब जाएंगे हम शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर अपने शेड व्यू पोर्ट पे हमने टेक्सचर को अप्लाई करवाना है। तो पहला तरीका ये है कि आपके पास जो ये पाथ आ रहा है, आपने इस पाथ के अंदर जाना है और यहाँ पर अपना पाथ पेस्ट कर देना है, तो ये आगे पर टेक्सचर आ जाएंगे। सेकंड ये है कि आप डायरेक्ट टेक्सचर को ड्रैग करवा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टेक्सचर को आपने पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने क्या किया, इसको बेस कलर पे अप्लाई कर दिया। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि एक टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, लेकिन अब हमने अपने इस टेक्सचर को इस यूवी के मुताबिक इसके अंदर बिठाना है। तो यूवी के मुताबिक आपको बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूवी एडिटिंग की टैब में आना पड़ेगा। यूवी एडिटिंग की टैब में आने के बाद आपके पास दो तरह के व्यू पोर्ट आएंगे यहाँ पर। एक व्यू पोर्ट आपके पास राइट साइड पर होगा, ये होगा एडिटिंग का, और दूसरा होगा आपके पास लेफ्ट साइड का, और ये आपके पास यूवी एडिटिंग का टैब होगा, व्यू पोर्ट होगा। आपने क्या करना है, आप एक दफ़ा जब क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो आपको उस ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली एक यूवी ओपन नज़र आएगा। तो मुझे तो यहाँ पे भी देखना है कि इस जगह पर मेरी यूवी एडिटिंग या मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट के ऊपर यूवी मैप अप्लाई किया हुआ है उसका प्रीव्यू यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं जी प्रेस करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ होगा मटेरियल प्रीव्यू, और मेरे पास यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसका ढक्कन है, इसके ढक्कन को इसके ढक्कन की जगह बिठाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको जी ग्रैब कर दिया,
इसको मैं ग्रैब कर रहा हूँ इसकी तरफ, और अब मैं क्या करूँगा, इसको स्केल कर दूँगा। मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ काम एडिटिंग में इधर कर रहा हूँ आइसलैंड की। ओके ये बॉटम है, मैं क्या करूँगा बॉटम पे जाऊँगा और बॉटम पे क्लिक कर दूँगा, और इसके बाद मैं जी प्रेस कर दूँगा। अच्छा होगा ये कि जब मैंने यहाँ पे जी प्रेस किया है ना, इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये आइलैंड सिलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं जी प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर भी आपने आइलैंड सिलेक्ट करना है, उसका तरीका ये कि आप यहाँ पर आएंगे, अपने आइलैंड के ऊपर क्लिक करेंगे और एल प्रेस कर देंगे तो ये लिंक सिलेक्ट हो जाएगा सारा इसका। हाँ हाँ ये तो ग्रैब नहीं करना है, इसको मैंने क्लिक किया सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए कि इसका आइसलैंड मैंने देखना था कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। असल में अगर आप इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यूवी सिंक्रोनाइजेशन सिलेक्शन के ऊपर, तो आपको पूरा आइसलैंड नज़र आएगा। आप वो ये देखने के लिए चेक करना पड़ता है कि यार ये आखिर, क्योंकि देखें ये जो पूरा आइसलैंड यहाँ पर खुला पड़ा, तो अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ कैसे एडिट करूँ। अब मैं ये ओपन कर लूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अब एल प्रेस किया, ठीक है। अच्छा अब ये जो चीज़ है ये एक अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हम इसको इसके मुताबिक ही बिठाएंगे, लिहाजा हम क्या करेंगे यहाँ पे एल प्रेस कर देंगे। एल प्रेस करने के बाद, वालेकुम सलाम, लिंक प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रैब करके साइड पे रख देंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक सीम ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, यानी कि इसको काट देना है हमें। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल ई से आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा मार्क सीम, ठीक है। मार्क सीम करने के बाद आप यहाँ पे एल प्रेस करेंगे, और इसके बाद आप राइट क्लिक करके इसे कर देंगे अनरैप। अब तो जब मैंने इसको अनरैप किया, इसने खुद ही एफिशिएंटली तौर पर इसने डिटेक्ट किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ मिले, तो मैं इसके साथ ही अनरैप कर रहा हूँ, और ये इसने बिल्कुल ठीक अनरैप किया। और ये हमारे पास आज पहला पैरल बन गया। ये इसलिए ज़रूरी होती है आपकी यूवी एडिटिंग। अच्छा सेकंड हमारे पास जो टास्क है, सेकंड हमारे पास टास्क था कि हम लोगों ने एक बियर बैरल बनाना है, एक ओल्ड टाइप का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बियर बैरल के लिए क्या करेंगे,
इसमें मैं सिर्फ एक ही लूप ऐड करूंगा और इसके बाद मैं इसको स्केल कर दूंगा आउटवर्ड, ठीक है। जब मैंने इसको बाहर की साइड पे स्केल किया तो मैं यहाँ पर इसको बेवल कर दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वही टोपोलॉजी निकल आई। अब अच्छा, अब इसकी वजह से खूबसूरती ये है कि ये लो पोली ही बने क्योंकि ये प्लैंक से बना हुआ होता है असल में। बल्कि इसके ऊपर नहीं हम करते, ओके। अगेन रिपीट मेरे साथ करना है कि अगर हमने कोई भी टेक्सचर नया अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, शेडर नया बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शेडर में आएंगे, शेडर में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद बियर बैरल पे क्लिक कर देंगे। अगेन हम आएंगे शेडिंग पे, शेडिंग में आने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पास जो हमारे पास जो हमने पाथ यहाँ पर दिया था, हम अपना टेक्सचर उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे। जब यहाँ पे लेके आएंगे तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस पर क्लिक करेंगे उसका शेडर ऑन होगा। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा इसका शेडर ग्राफ ऑन हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया, इसका शेडर ग्राफ ऑन हो गया। ओके, नाउ मैं दोबारा यूबी एडिटिंग में आ रहा हूँ। अब यूवी एडिटिंग मैंने कर दी हुई है, लेकिन अगर मैं चाहूँ अब भी इसको एडिट कर सकता हूँ। ये ब्लेंडर की अच्छी चीज़ है कि अब आपकी यूवी ख़राब नहीं होगी। लाइक मैं इंसर्ट कर दूँ और इसके बाद एक्सट्रूड कर दूँ इनसाइड। ओके, लाइक और भी मैं कर सकता हूँ, कंट्रोल आर।
इसमें मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ और ये स्केल हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये है आपके पास यूवी एडिटिंग। तो पहला ये प्रोसेस आपके पास मैंने बताया था, आगे पर पहला प्रोसेस ये होगा कि आगे पर टेक्सचर अवेलेबल होगा और आपने मॉडल बनाना है। लेकिन आगे पास दूसरा स्टेप ये हो सकता है या दूसरी आगे पास कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास मॉडल तो अवेलेबल है लेकिन टेक्सचर अवेलेबल नहीं है, टेक्सचर आपने ख़ुद बनाना है, तो वो टेक्सचर पेंटिंग में आ जाते हैं फिर चीज़। लेकिन दोनों में चीज़ कॉमन है, आपको यूवी एडिटिंग करनी पड़ेगी, यूवी ओपन करनी पड़ेगी। यूवी नहीं ओपन होगी तो आप टेक्सचर किस पे पेंट करोगे या किस पे लगाओगे आप। ठीक है, तो होपफुली ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में भी आया होगा और इंशाल्लाह ताला इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करना है, और उम्मीद करता हूँ कि ये कल करेंगे भी सारे। तो कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से आप पूछ लीजिएगा मुझसे।